इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड सिंडिकेट का पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार, विदेशियों को जालसाजी का शिकार बनाते थे। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की IFSO यूनिट, अमेरिका की FBI और कनाडा की कनेडियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने मिलकर विदेशियों को जालसाजी का शिकार बनाने वाले 3 आरोपियों को धर दबोचा है। स्पेशल सेल के DCP प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की IFSO यूनिट, अमेरिका की FBI और कनाडा की कनेडियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने मिलकर एक इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। इस सिंडिकेट ने टैक्स सपोर्ट के नाम पर अब तक करीब 20,000 से ज्यादा विदेशी मूल के लोगों को अपनी जालसाजी का शिकार बनाया है। दिल्ली पुलिस की जो IFSO यूनिट है, इसको CBI की इंटरपोल विंग के थ्रू फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अप्रोच किया था एक कंप्लेंट के साथ में, जहां पर उन्होंने कहा था कि कुछ साइबर फ्रॉडिस्टर्स हैं जो दिल्ली और उसके आसपास कॉल सेंटर्स चला के जो सीनियर सिटीजन्स अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं और भी बाकी इसी तरह से ट्रांसनेशनल सिटीजन्स हैं, उनको ड्यूप कर रहे हैं, उनके साथ धोखा कर रहे हैं साइबर फ्रॉड करके। इस कंप्लेंट पे IFSO यूनिट ने एक्शन लिया और 3 लोगों को दिल्ली से गिरफ्तार किया। पैरेलल एक्शन में FBI ने न्यू जर्सी में एक एक्यूज को पकड़ा और कनाडा की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने एक एक्यूज को ओंटारियो से पकड़ा। ये एक इंटरनेशनल एक्शन था, पैरेलल तरीके से 3 जगह अलग अलग जगह पे हुआ। DCP IFSO प्रशांत गौतम ने बताया कि FBI ने दिल्ली पुलिस को CBI के इंटरपोल विंग के जरिए संपर्क किया कि साइबर फ्रॉड का एक बड़ा सिंडिकेट दिल्ली और उसके आसपास के इलाके से ऑपरेट किया जा रहा है, जिसके निशाने पर सीनियर सिटीजन होते हैं। इसके बाद FBI ने दोनों पीड़ितों की शिकायत स्पेशल सेल को फॉरवर्ड की। इस शिकायत के आधार पर स्पेशल सेल ने जांच शुरू की और बाकी दोनों एजेंसियों के साथ जानकारी साझा की। इसके बाद स्पेशल सेल ने हर्षन मदान, जतिन लंबा और विकास को गिरफ्तार किया। कनेडियन इन्फोर्समेंट एजेंसी ने टोरंटो से जयंत भाटिया, जबकि FBI ने न्यू जर्सी से कुलविंदर सिंह को एक दिन में गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस और बाकी एजेंसियों ने इस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया ताकि इस पूरे गैंग का एक साथ पर्दाफाश किया जा सके और किसी एक देश में गिरफ्तारी के बाद दूसरे देश में बैठे उनके बाकी साथी फरार न हो सके। हमारा वर्जन बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा ब्रीफ में बता देंगे मामला क्या था जो अभी आया था। 50 लाख रुपए की चीटिंग हो गई, जो मिट्टी में उनका ये कहना है कि उनके पास कोई OTP नहीं आया और सिर्फ मिस कॉल आई। तो मैंने आपको बताया ना, ये पुलिस का वर्जन नहीं है। मैं अपना वर्जन आपको बता रहा हूँ कि उनको हर एक ट्रांजेक्शन का OTP रिसीव हुआ है उनके मोबाइल के अंदर। उनके मोबाइल का एनालिसिस, इमेज, मोबाइल इमेज का एनालिसिस अभी चल रहा है, उससे ही हमें पता चलेगा कि उनका मोबाइल कॉम्प्रोमाइज था कि नहीं था। बट ये हमारा बिल्कुल भी वर्जन नहीं है। ये मुझे भी नहीं पता किसका वर्जन है कि सिर्फ उनको कॉल आया और उनके पैसे निकल गए। मेरे पास अभी उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। दौरान पता चला कि जतिन लांबा अपने भाई गगन के साथ मिलकर PC सपोर्ट और केयर के नाम से कंपनी चलाता था। जालसाजी का पैसा इसी कंपनी के माथा टैक्स सपोर्ट के नाम पर कॉल सेंटर चलाया जाता था। ये लोग विदेश में बैठे सीनियर सिटीजन को अपना निशाना बनाते थे। ये सबसे पहले उनके कंप्यूटर पर पॉपअप्स भेजकर उन्हें इस नाम पर डराते थे कि उनके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट की समस्या आई होगी या फिर उनके साथ बड़ा धोखा होने वाला है। इसके बाद पीड़ित इनके झांसे में फंस जाते हैं और फिर ये उनके कंप्यूटर को अपने कब्जे में ले लेते हैं। टैक्स सपोर्ट के नाम पर उनसे ठगी करते थे। कई बार इन लोगों ने एक पीड़ित को कई बार अपनी जालसाजी का शिकार बनाया है। इंटरनेशनल पैरेलल एक्शन, इसमें जो विशेष बात अगर कही जाएगी तो यही कही जाएगी कि ये इंटरनेशनल था लेकिन पैरेलल एक्शन था। इंटरपोल की स्थापना हुई थी इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन के लिए। जब इस तरीके से अपराधी अलग अलग टेरिटरीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में होते हैं, तो अगर IFSO स्पेशल सेल की कार्रवाई यहाँ होती तो काफ़ी संभावना थी कि जो अमेरिका वाले उनके साथी थे या कैनेडा वाले या बाकी साथी, वो कुछ समय के लिए गायब हो जाते, उनको ढूंढ पाना मुश्किल होता। तो इंटरनेशनली पैरेलली कोऑपरेटिव एक्शन जो इंटरपोल और CBI की सहायता से संभव हो सका, उसमें ये पूरा नेटवर्क एक साथ, बल्कि मैं कहूँ लगभग एक साथ बस्ट हुआ है।
वो इस केस की बहुत बड़ी खासियत और एक बहुत अच्छी कामयाबी कही जाएगी। ये गिरोह वर्ष 2010 से 2020 के बीच में गैंग ने करीब 20,000 लोगों से 80 करोड़ रुपए की ठगी की है। इस मामले में अब तक 3 देशों की एजेंसियों ने मिलकर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब इस गिरोह के फरार सदस्यों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। भारत में बैठकर अमेरिका के लोगों को झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह पिछले 10 सालों में 20,000 से ज्यादा लोगों के साथ ठगी कर चुका था और 80 करोड़ से ज्यादा की रकम डकार चुका था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 जालसाजों को गिरफ्तार किया है, जबकि इसी गिरोह के 3 ठगों को अमेरिका और कनाडा पुलिस ने भी गिरफ्तार किया है। कैमरामैन हेमंत के साथ राकेश रावत, टॉप स्टोरीज दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।